साल 1988 फरवरी का दूसरा सप्ताह, दिल्ली में कड़ाके की ठंड। सिर्फ ठंड ही नहीं, धुंध भी, मौसम में भी और राजनीतिक मौसम में भी। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री परेशान थे अपने ही वफादारों के विरोधी बन जाने के चलते। क्या अरुण नेहरू, क्या विद्याचरण शुक्ल, क्या वीपी सिंह, राजीव को चिंता थी सत्ता बचाने की, जिसके लिए इम्तिहान था 1989 के आखिर में और जिसकी कुंजी थी यूपी और बिहार के पास। यूपी में पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे गुटों के लोग वीर बहादुर के मुख्यमंत्रित्व काल से परेशान थे। वहीं बिहार में भी ऐसा ही कुछ मामला था। जब 1985 में बिहार में चुनाव हुए थे तो चंद्रशेखर सिंह, जो चुनाव के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके बजाय बिंदेश्वरी दुबे को सत्ता सौंप दी थी राजीव ने अपने खास सिपह सालारों की सलाह के बाद। लेकिन जब 3 बरस में बिंदेश्वरी के राज में झगड़ा बढ़ा तो चंद्रशेखर और जगन्नाथ मिश्र की दावेदारी को किनारे करके राजीव ने फैसला किया कि एक बुजुर्ग को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने का वक्त आ चुका है। ये बुजुर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये बुजुर्ग नाना के जमाने से कांग्रेस में सक्रिय थे और मम्मी के जमाने से केंद्र में मंत्री रहे थे। इनका नाम था भागवत झा। बुजुर्ग को 5 RCR, 5 RC रोड प्रधानमंत्री का आवास वहां पर तलब किया जाता है, जिस फरवरी के दूसरे सप्ताह का मैंने शुरुआत में जिक्र किया, ये वही वक्त था। कुर्सी पर बैठे थे राजीव गांधी, कुर्सी के बाद मेज और फिर एक कुर्सी, जिस पर बैठे थे 6 बार के भागलपुर के सांसद, इंदिरा की कैबिनेट में कमोबेश लगातार मंत्री रहे भागवत झा। राजीव ने भागवत से कहा, आप मेरे नाना के वक्त के हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे, देश की सेवा की, कांग्रेस की सेवा की, अब आपको बिहार की सेवा करनी है। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको भागलपुर की लोकसभा सीट छोड़नी होगी, लेकिन ये सीट ऐसे ही खाली नहीं होगी। आप बिहार देखिए और अपनी सीट पर अपने बेटे को लड़वा दीजिए, मैं उसे मंत्रिपरिषद में लूँगा, राजनीति सिखाऊंगा, वो आपकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएगा। भागवत झा ने सुना, मुस्कुराए, फिर बोले, बहुत धन्यवाद राजीव बाबू, आपने मेरे बेटे के बारे में सोचा, मगर जब तक मैं जिंदा हूँ या जब तक राजनीति नहीं छोड़ देता, तब तक मेरा बेटा या परिवार का कोई भी और शख्स राजनीति में नहीं आएगा। ये भागवत झा के शब्द थे, जिनका पूरा नाम था भागवत झा आज़ाद। और ये बेटा जिसका जिक्र हो रहा है, वो कौन था, क्या करता था, शायद आज़ाद सुनकर आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा। ये बेटा क्रिकेटर था, इसका नाम है कीर्ति झा आज़ाद। दोनों के किस्से सुनाएंगे, मगर पहले ये आज़ाद की गिरह तो खोल लें। ये 1942 की बात है, देश में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने को था। अंग्रेज़ों को पता चला कि कांग्रेस एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। अंग्रेज़ों को ये भी पता था कि उनका पूर्वी मोर्चा कमज़ोर है और जापान यहाँ से हमले की फिराक में है, इसलिए वो तैयारी में जुटे थे। पूरे देश के कैंटोनमेंट एरिया में सप्लाई जा रही थी बंदूकें, गोला बारूद, और ये ज़्यादातर रेल की पटरियों पर हो रहा था। भागलपुर के कांग्रेसियों को पता चला कि ऐसी ही एक ट्रेन उनके इलाके से गुजरने वाली है। यहाँ के कांग्रेस नेता थे भागवत झा आज़ाद, लेकिन तब वो आज़ाद नहीं हुए थे, सिर्फ भागवत झा थे। उनको जब इस बात की खबर लगी तो लगभग 300-400 लोग उन्होंने इकट्ठा किए और भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पहुँचने के बाद ये लोग ट्रैक पर उतर गए और भोंपू लगाकर भाषणबाजी शुरू हो गई। लोगों को बताया जाने लगा कि बरतानिया हुकूमत में किस तरह से जुल्म हो रहा है और बिना हिंदुस्तानियों की मर्ज़ी के उन्हें जंग में शामिल कर लिया गया है। इतने में वहाँ पर अंग्रेज़ अफसर पहुँचते हैं और बिना किसी चेतावनी के गोली चलानी शुरू कर देते हैं। एक गोली लगती है भागवत के ठीक आगे खड़े
सुजीत मंडल के सर पर, वो मौके पर ही मर जाते हैं। दूसरी गोली भागवत के पांव पर लगती है, वो लड़खड़ाकर रेल ट्रैक पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। लोग वहां से गोलीबारी के बाद तितर बितर हो जाते हैं। घंटे दो घंटे के बाद उनके पुराने साथी वहां पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि भागवत झा मर गया, लेकिन जब अस्पताल लेके जाते हैं लाद के, तो पता चलता है कि जिंदगी बाकी है। डॉक्टर जैसे ही उन्हें ये खबर सुनाते हैं, साथी चिल्लाते हैं, भागवत तो आज़ाद हो गए हो। और इसके बाद से उनके नाम के आगे ये तकल्लुस लग जाता है। लेकिन अभी इसको एक और आधिकारिक किस्म की या पैतृक किस्म की मोहर मिलनी बाकी थी। भागवत झा आज़ाद कांग्रेस के नेताओं में शुमार होने लगे, जो बिहार प्रोविंस थी उसकी कार्यकारिणी में आ गए। एक बार आज़ादी के बाद एक मीटिंग थी, पंडित नेहरू ने बुलाई थी। उसमें प्रोविंशियल सेक्रेटरीज को बुलाया गया था। वो एक एक करके नेताओं से मिल रहे थे। अंदर पर्ची पहुंची, पर्ची जिस पर लिखा था भागवत झा आज़ाद। नेहरू ने उनके हाथ में जो सूची थी उससे मिलान किया, तो एक भागवत झा नाम तो मिला, लेकिन आज़ाद नहीं लिखा था। नेहरू ने उनको टेरा लगा लिया और उनकी कुछ भी सुनने से पहले अपना सवाल दाग दिया, ये आपके नाम में आज़ाद क्यों जुड़ा है? जब भागवत झा ने कहानी सुनाई तो नेहरू खुश हुए और अंग्रेजी में बोले, ओके आई इंडोर्स योर नेम एज आज़ाद। ये थी भागवत झा आज़ाद की कहानी। लेकिन मैं तो आपको कीर्ति आज़ाद की कहानी सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जिसका जब भी क्रिकेटर के तौर पर जिक्र आता है, परिचय में पहली पंक्ति लिखी होती है, मुख्यमंत्री का बेटा जो क्रिकेट खेला। जबकि सच्चाई तो ये है कि भागवत झा आज़ाद के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही बरस पहले बतौर क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद का करियर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खत्म हो चुका था। एक सच्चाई ये भी है कि कांग्रेसी परिवार के कीर्ति अपने स्कूल के याराने के चलते भाजपा में चले गए, वही भाजपा जिससे वो पिछले 2-3 बरस से रूठे से हैं, वही भाजपा जिसके बेहद कद्दावर नेताओं में से एक अरुण जेटली को वो निजी और सार्वजनिक हर मंच पर पानी पी पी कर कोसते हैं, वही कीर्ति आज़ाद जिनको शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उस सूची में दूसरे नंबर पर गिना जाता है जो भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन अब भाजपा से ज़्यादा विरोधी दलों के नेताओं की तारीफ करते और जुगलबंदी करते नजर आते हैं। सब सुनाएंगे। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और मैं lallantop.com पर पॉलिटिकल किस्से भी सुनाता हूँ, या कई लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल किस्से ही सुनाता हूँ। तो शुरू करते हैं भागवत झा आज़ाद के बेटे कीर्ति आज़ाद का पॉलिटिकल किस्सा। बढ़िया जिंदगी चल रही थी कीर्ति आज़ाद की। भारतीय टीम में न्योता आया, खेले, कुछ खास अच्छा नहीं खेल पाए। अच्छे के नाम पर दो ही मैच याद आते हैं। 22 जून 1983 को वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ सेमीफाइनल मैच, जिसमें अमरनाथ के साथ कीर्ति आज़ाद ने इंग्लैंड के मध्यक्रम को ढाने में खास रोल अदा किया था। यूट्यूब पर जाइएगा फुर्सत में और वो वीडियो देखिएगा जिसमें कीर्ति की ऑफ ब्रेक पर ईयान बाथम गच्चा खा जाते हैं और उनकी गिल्लियाँ उड़ जाती हैं। इसके 1.5 बरस बाद दिल्ली में एक प्रदर्शनी मैच हुआ था डे नाइट पाकिस्तान के खिलाफ, और उसमें कीर्ति आज़ाद का ज़बरदस्त प्रदर्शन था। 3 विकेट गिरे कि पाकिस्तान की टीम के तीनों कीर्ति आज़ाद ने लिए। फिर जब बैटिंग की बारी आई तो मैच आखिरी गेंद तक खिंचा। 67 रन पर खेल रहे थे तब कीर्ति आज़ाद ताबड़तोड़, और आखिरी गेंद पर चौका मारकर उन्होंने भारत को जितवाया था। क्रिक इन्फो जैसी साइट्स पर शायद आपको इस मैच की स्टेट्स ना मिलें, क्योंकि ये प्रदर्शनी मैच था। बाद में उनका करियर कुछ खास नहीं चला, वो व्यापार और दूसरे कामों में लग गए। ऐसे ही एक काम के सिलसिले में 1988-89 में कीर्ति बैंकॉक गए थे। वहाँ एक पुराना दोस्त मिला, स्कूल के दिनों का, नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल के वो पढ़े हुए थे। कहा कि यहाँ पर बीजेपी के नेता आडवाणी जी के बच्चे भी आए हुए हैं। बच्चे सुनकर भरम मत पालिएगा, भरे पूरे नौजवान थे, जयंत और प्रतिभा, उनसे मिलोगे क्या? कीर्ति ने कहा, क्यों नहीं मिलेंगे भाई, स्कूल के जूनियर हैं।
मुलाकात हुई जो कि यारी में तब्दील हो गई। फिर कीर्ति जब दिल्ली लौटे तो अक्सर आडवाणी के घर आना जाना शुरू हो गया। कमला आडवाणी जब भी कीर्ति आते तो जोर देकर उनको खाना ज़रूर खिलाती, तो एक नेह का नाता जुड़ गया। फिर धीमे धीमे कीर्ति नई दिल्ली के पॉलिटिकल और सोशल सर्कल में और सक्रिय होना शुरू कर देते हैं। फिर आते हैं 1993 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव। ये क्यों आते हैं? क्योंकि इससे दो बरस पहले संविधान में 69वां संशोधन हुआ था और तय हुआ था कि अब दिल्ली में विधानसभा होगी जिसके चुनाव होंगे। कीर्ति आडवाणी के करीबी थे तो उन्होंने नई दिल्ली की गोल मार्केट सीट पर दावेदारी ठोक दी और आडवाणी के आशीर्वाद से उन्हें टिकट भी मिल गया। बीजेपी की लहर थी उन दिनों नई दिल्ली। वैसे भी नई दिल्ली क्या दिल्ली बीजेपी का जनसंघ का बड़ा पुराना गढ़ रहा है। मुझे ध्यान आता है 71 के चुनाव में जब कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीती थी लोकसभा में भी और बाकी जगहों पर भी, तो उसके बाद एमसीडी के चुनाव होते हैं। उन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता हुआ करते थे जनसंघ के, और उन्होंने लोगों से क्या कहा, बोले अब आपने देश चलाने का मैंडेट तो जनादेश तो इंदिरा जी को दे दिया है, हमारे हिस्से कम से कम झाड़ू लगाने का जनादेश तो बचा रहने दीजिए। अटल की अपील काम करती है, या कि संघ और जनसंघ का आज़ादी के ठीक बाद से चाहे वो शरणार्थियों के शिविर हों या दूसरे इलाके, उनमें किया गया काम, जनसंघ एमसीडी का चुनाव जीत जाती है। खैर, तो जब पहली बार चुनाव होते हैं दिल्ली के तो बीजेपी की लहर होती है, और बीजेपी की लहर में कीर्ति आज़ाद कांग्रेस के ब्रजमोहन भामा को 3800 वोटों से हराकर विधायक बनते हैं। मदन लाल खुराना सीएम बनते हैं। कीर्ति 5 साल विधायक रहते हैं लेकिन खुराना ये दावा नहीं कर सके। हवाला कांड में उनका भी नाम आया। आडवाणी ने इस्तीफा दिया तो उनके दबाव में बीजेपी के सभी नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा। फिर साहिब सिंह वर्मा की बारी आती है और आखिरी में सुषमा स्वराज का नंबर आता है। उनके कार्यकाल के आखिरी में और चुनाव से कुछ महीने पहले दिल्ली में प्याज के दाम बेतहाशा बढ़ते हैं और खून के आंसू, पहले जनता रोती है और फिर बीजेपी। शीला दीक्षित जिनको किनारे कर दिया गया था नरसिम्हा राव के जमाने में, जो बगावती तेवर अपना चुकी थी, जो 1996 के लोकसभा चुनाव में तिवारी कांग्रेस के टिकट पर अपनी ससुराल में बुरी तरह खेत रही थी यूपी में, वो अब सोनिया की करीबी हैं, वो अब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। शुरुआती विरोध के बाद आलाकमान के डर से सब उनके पीछे झंडाबदार हो जाते हैं, कतारबद्ध हो जाते हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आती है। बीजेपी संग कीर्ति भी सत्ता गंवाते हैं और इस बार उनके सामने मैदान में कौन था? भामा साहब नहीं, इस बार खुद शीला दीक्षित उनके सामने मैदान में थी। गोल मार्केट, ये सीट याद रखिए, बाद में इसी सीट को नई दिल्ली सीट के नाम से जाना गया। बाद में इसी सीट पर दिल्ली की 15 बरस की सिटिंग सीएम शीला दीक्षित चुनाव हारती हैं अरविंद केजरीवाल से। मगर अभी तो हम 1998 की बात कर रहे हैं। शीला ने कीर्ति को 6000 से ज़्यादा के अंतर से हराया था। लोगों को लगा अब कीर्ति का करियर खत्म हो जाएगा, या शायद उन्हें और 5 बरस इंतज़ार करना पड़े, एक और सुरक्षित सीट तलाशनी पड़े। मगर आडवाणी के साथ करीबी उनके फिर काम आई और 1 बरस के भीतर ही उनका राजनीतिक पुनर्वास हो गया, दिल्ली में नहीं उनके गृह प्रदेश बिहार में। उनके पिता भागलपुर से सांसदी जीतते थे लेकिन बीजेपी ने उन्हें भागलपुर से नहीं, जनता दल की हैवीवेट अली अशरफ फातमी के खिलाफ दरभंगा से मैदान में उतारा। मिथिलांचल का इलाका दरभंगा का हिसाब कुछ ऐसा है कि यहाँ या तो मुसलमान जीतता था या फिर मैथिल ब्राह्मण। बीजेपी को लगा कि झाजी लोगों को भगवत झा का बेटा समेट लेगा। आप टोक सकते हैं, मैं भागवत झा को भगवत झा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं। ये वैसा ही है जैसे गांव देहात में आज भी राजीव गांधी को राजू गांधी कहा जाता है। खैर, गांधी परिवार से अब आज़ाद बीजेपी परिवार में आ चुके थे और दरभंगा की सीट पर मैदान में थे। दरभंगा में उनको बहुत अजनबीपन नहीं लग रहा था क्योंकि उनकी पत्नी जो है पूनम आज़ाद, वो उनका मायका दरभंगा में ही है। तो कुछ मायके का असर, कुछ अटल बिहारी की अपील का असर, कुछ जाति समीकरण कीर्ति आज़ाद ने पहले ही प्रयास में आरजेडी के, जी जनता दल टूट चुकी थी और राष्ट्रीय जनता दल लालटेन के चुनाव निशान पर मैदान में थी, उसके फातमी को
55,000 वोटों से निपटा दिया। 2004 में बीजेपी निपटी, कीर्ति भी निपट गए और फातमी ने उन्हें लगभग 1,43,000 वोटों से हराया। लोगों ने तब दरभंगा का चालू राजनीतिक मुहावरा दोहरा दिया, वो बोले कोई ब्राह्मण यहाँ से दो बार लगातार नहीं जीता है। फातमी तीसरी बार सांसद बने थे, लेकिन उनके सांसद बनने के 1.5 बरस बाद बिहार में नीतीश राज शुरू होता है। कीर्ति भी अपने इलाके में सक्रिय रहते हैं। इन सब का उनको फायदा मिलता है 2009 के चुनाव में। पूरे देश ने आडवाणी को पीएम इन वेटिंग ही रखा, बीजेपी को या एनडीए को जनादेश नहीं दिया, लेकिन बिहार में एनडीए ने शानदार जीत हासिल की और कीर्ति ने भी फातमी को लगभग 46,000 वोटों से हरा कर अपना बदला चुकाया और दूसरी बार सांसद बने। केंद्र में सरकार नहीं थी तो इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं थी। 2014 में फिर चुनाव होते हैं, पीएम इन वेटिंग किनारे कर दिए गए थे और अब बीजेपी का पोस्टर बॉय बन चुके थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की लहर ऐसी कि जेडीयू ने भी एक झा कैंडिडेट उतारा। फातमी तो मैदान में थे ही, लेकिन इन सब के बावजूद कीर्ति आज़ाद 35,000 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। दूसरे नंबर पर आरजेडी के फातमी रहे, जबकि जेडीयू के संजय कुमार झा तीसरे नंबर पर रहे। अब कीर्ति आज़ाद 3 बार के सांसद हो गए, लेकिन वो सियासत में सांसद से कभी आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? हमने कीर्ति आज़ाद से खुद पूछा, आप ही बता दीजिए। बोले दो खलनायक हैं, पहले मोदी, नरेंद्र नहीं सुशील मोदी। उनके मुताबिक सुशील मोदी ने बिहार में बीजेपी के किसी नेता को पनपने ही नहीं दिया। बाकी सब नेताओं को अपने क्षेत्र की चिंता करनी होती थी, वो वहाँ व्यस्त रहते थे, मगर विधान परिषद के सदस्य सुशील मोदी पटना में ही डेरा जमाए रहते हैं और सबका गेम वहीं से सेट करते रहते हैं। और अब तो उनको दिल्ली में अरुण जेटली जैसा गुरु भी मिल गया है। अरुण जेटली, आप सोच रहे होंगे इतनी देर से कीर्ति आज़ाद पर बात हो रही है, मगर जेटली नहीं आए, आ गए। अरुण जेटली का नाम कीर्ति आज़ाद पर लाल कपड़े से असर करता है, उनका गुस्सा साण हो जाता है, फिर जब कुछ थमते हैं तो बताने लगते हैं। 1999 में हम ही लोग तो थे जो अरुण जेटली को DDCA में लेकर आए थे। हमें लगा था कि केंद्र से करीबी, इन सब का DDCA को फ़ायदा होगा, नए स्टेडियम बनेंगे, व्यवस्था आएगी। लेकिन कीर्ति आज़ाद का इल्ज़ाम है कि अरुण जेटली के गुट ने अपने लोगों को भरना और भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। कीर्ति के इल्ज़ाम नए नहीं हैं। दिसंबर 2015 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने DDCA की पूरी मैनेजमेंट पर यही इल्ज़ाम विस्तार से और अपने हिस्से के सबूतों के साथ लगाए थे। अरुण जेटली ने इन सबूतों को जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उठाया, इनका जिक्र किया, तो उनमें से कई पर मानहानि का दावा किया। लेकिन कीर्ति चुनौती देने के अंदाज में कहते हैं, मेरे खिलाफ करें तो सही वो मुकदमा। अब मसला ये है कि ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इसका नतीजा क्या हुआ? इसके बाद कीर्ति की बीजेपी से विदाई तय हो गई। उनकी पत्नी ने पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, फिर कांग्रेस। कीर्ति ने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले उन्हें अमित शाह ने तलब किया था, क्योंकि वो लगातार मीडिया में हो रही बयानबाजी देख रहे थे और उन्हें समझ में आ रहा था कि कीर्ति झा आज़ाद और इनके खेमे के लोग DDCA के बहाने अरुण जेटली को लपेटे में ले रहे हैं, जो बीजेपी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। शाह ने आज़ाद को इससे बचने की सलाह दी, कीर्ति नहीं माने। उन्होंने बस इतना मान रखा शाह का कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी अरुण जेटली का नाम नहीं लिया। दिल्ली सर्कल में यह अफवाह खूब है, तगड़ी है, कि कीर्ति आज़ाद के उपलब्ध कराए कागज़ों के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली को घेरा था। मगर केजरीवाल को तो बाद में कोर्ट में सॉरी शक्तिमान बोलना पड़ा। कीर्तिवर्धन झा आज़ाद आज भी डटे हैं, उन्होंने सॉरी नहीं बोला। वो कहते हैं कि मैं तो पुराने राजनीतिक परिवार से आता हूँ, लेकिन दिल्ली में एक इंच ज़मीन नहीं है मेरे पास। पूरे दरभंगा में कोई भी मेरे खिलाफ कमीशन खोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, इसलिए जब मैं ईमानदारी की बात कहता हूँ और करता हूँ तो उसको अपनाता भी हूँ और इसी के बाद दूसरों को चोर कहता हूँ। सवाल उठता है कि ये कीर्ति गाथा अभी क्यों? क्योंकि पिछले दिनों शत्रुघ्न सिन्हा इफ्तारी के लिए यादव परिवार के पास पहुँचते हैं, बाकायदा खुल्लम खुल्ला उनको पार्टी में आने का न्योता दिया जाता है, वो मुस्कुरा देते हैं और उसके बाद कीर्ति आज़ाद का भी बयान आता है। कोई कहता है कि वो कांग्रेस में जाएंगे, कोई कहता है RJD में, कोई किसी और पार्टी का नाम लेता है। हमने भी पूछा कीर्ति आज़ाद से अब आगे क्या, तो वो कहते हैं अब बीजेपी में रहकर क्या करें। अटल आडवाणी का भी एक ज़माना था,
कितने व्यस्त रहते थे, लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए दो मिनट निकाल ही लेते थे। फैसले तब भी होते थे पर सबसे सलाह की जाती थी, अब वो सब नहीं है। अब फैसले नहीं, अब फरमान हैं जो सुना दिए जाते हैं, और हम लोगों से मिलने का किसी के पास वक्त नहीं है। तो अब कहाँ सुनाएंगे जाकर अपनी बात। इस सवाल के जवाब पर कीर्ति ने सिर्फ इतना कहा, किसी राष्ट्रीय पार्टी में ही जाऊंगा। हमारी जानिब ये कांग्रेस का नाम लिए बगैर जवाब देने की कोशिश है शायद। कांग्रेस का क्या हाल होगा ये इस पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन क्या शक्ल लेता है बिहार में, और क्या आरजेडी दरभंगा की सीट पर, हाशमी की सीट पर कांग्रेस के हक में अपना दावा छोड़ने को तैयार होगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी भी इस सीट से अपना पिंड छुड़ाएगी, और जेडीयू के पास तो ऑलरेडी संजय झा के रूप में एक कैंडिडेट है ही जो 2014 में चुनाव लड़ा था, तो उन्हीं के सहारे कीर्ति के करियर को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। अब ये कीर्ति झा आज़ाद के ऊपर है कि वो सेमीफाइनल के मैच की तरह उस वर्ल्ड कप के अपनी चमक बिखेरते हैं, विरोधियों की गिल्ली उड़ाते हैं, या अपने छोटे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की तरह इस करियर के भी पटाक्षेप के लिए तैयार हो जाते हैं। lallantop.com नाना प्रकार के नाना किरदारों के राजनीतिक किस्से यूं ही आपको खोज कर, भटक कर, जो गड़े हैं उनको निकाल कर, खोद कर आप तक पेश करता रहेगा। अगर आपको ये पॉलिटिकल किस्सा पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर इस किस्से के बारे में, कीर्ति आज़ाद के बारे में, मिथिलांचल की राजनीति के बारे में आपकी कोई राय है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो साथी फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं वो दी लल्लनटॉप के पेज को लाइक करना और सी फर्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो या खबरें अपलोड हों आपको फौरन से खबर हो जाए। जो साथी यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं वो दी लल्लनटॉप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अगर ये काम अभी तक कर चुके हैं तो दूसरों को भी बताएं। अकेले ये सारा मज़ा लेने से, अकेले राजनीतिक ज्ञान की श्रीवृद्धि करने से मज़ा नहीं आएगा। दूसरों को भी लाभ पहुंचाइए, सत्संग करिए, और औरों को पत्रकारिता के इस अभिनव प्रयोग दी लल्लनटॉप के बारे में ज़रूर बताइए। और बताइए कि आप लोग जो भी डिमांड करेंगे वो अगर जायज़ होगी तो यहाँ पर पूरी होगी। यानी कि ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि किन नेताओं के पॉलिटिकल किस्से आप सुनना चाहेंगे। शुक्रिया।